Basta! Vývod! 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 Sada! Sada! Vývod! 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 Sada! Sada! Basta! प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी कबीला, अगर कोई भी कम्युनिटी, अगर वो डॉन ट्रडन है, अगर वो वीकर सेक्शन है, अगर वो आइसोलेशन के अंदर है, तो हिंदुस्तान का आइन दफा 345 के तहत उसको जो है शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे में लाया जा सकता है। हम जो सारे लोग आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं, हम एक कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिस कबीले का नाम पहाड़ी कबीला है, और ये कबीला रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना और कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर पाया जाता है। और हमारी 40 साल से एक दरीना मांग है कि हमें शेड्यूल ट्राइब के जिमरे के अंदर रखा जाए। हमारी वेरियस रिकमेंडेशन टाइम टू टाइम गई 1989 से लेके 2019 तक, लगातार यहाँ के चाहे कोई गवर्नर रहे, चाहे यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे, सब ने जो है हमारे इस काज को हमेशा प्लीट किया। और हमारी यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी एथनिक करेक्टर, हमारे एसएल बट कमेटी, प्रोफेसर अमीन कमेटी, चाहे इंटरलोकेटर की रिपोर्ट, और हर किस्म की जो हमारी जो इंग्रेडिएंट, जो बेसिक इंग्रेडिएंट फुलफिल करने के लिए, एक ट्राइब को डिक्लेयर करने के लिए जो उस जिमरे में जो चीज़ें आती हैं वो हम क्वालिफाई करते हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा होगा कि हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब ने इस जम्मू के अंदर आके ये कहा कि पहाड़ी कबीले को उनका हक दिया जाएगा। हम उनके बड़े शुक्रगुजार और मशकूर और ममनून हैं, और हमें लगता है कि जल्द ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें अपना हक देगी। लेकिन आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हमारी ये मांग है कि हमारे वो भाई जो इस वक्त हमारे खिलाफ जो बात कर रहे हैं और जो ये मुतालबा लेके आ रहे हैं कि हम उनका हक लेने जा रहे हैं, हमने उनको, हमारे लीडरान ने भी और हमारे सारे लोगों ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि हम उनके हक को जो है वो किसी तरह उनकी जो है हक तलफी जो है वो नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ जो है वो एक मुहिम चला रहे हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो चौधरी तालिब साहब हो, चाहे वो मियां अल्ताफ साहब हो, चाहे वो चौधरी अकरम साहब हो, चाहे वो जावेद राणा साहब हो, सब ने पहाड़ियों के साथ उनके साथ शाना बशाना चलने की और उनको एसटी के अंदर जिमरे के अंदर लाने की जो बात की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं उन साथियों को ये कहना चाहता हूँ जो प्रोटेस्ट करते हैं कि आप प्लीज ऐसा कुछ न करें ताकि कल आपको हमारे सामने जो है वो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ठीक है, जी सर।